अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हाज़िर हुई हूँ आप लोगों के साथ बैंगन की रेसिपी, सब्ज़ी बनाने लगे हैं आज हम बैंगन की, जो कि नज़र आ ही गए होंगे आपको। बैंगन जो है मोस्टली लोग पसंद नहीं करते, मुझे भी जो है ना बैंगन इतने पहले पसंद नहीं थे, लेकिन हाँ अब जैसे जैसे यू नो टाइम गुजरता है आपकी चेंज टेस्ट बॉड भी चेंज होने लगता है। बट ये रेसिपी जो है मुझे पता है कि बच्चा भी पसंद करेगा, क्योंकि हम इसकी जो इसको जो है ना बिल्कुल पील ऑफ कर देते हैं। जी हाँ आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हम बनाने लगे हैं बैंगन का भरता। बैंगन के भरते में सबसे अच्छी बात मुझे जो मैं जो स्पेशली यही वाली रेसिपी बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि जो इसका पील है ना पील ऑफ कर देता हूँ बिल्कुल इसको, तो वो पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो एकदम भरता भरते की तरह हो जाता है। और उसके अंदर बहुत सारे लोग जो है बल्कि नॉर्मली हम आलू नहीं डालते, तो हम इसके अंदर आलू भी डालेंगे बच्चों के लिए फ्रेंडली करने के लिए। बैंगन को तो हम इसमें छोटे छोटे आलू डालेंगे। टमाटर लिए हैं मैंने दो दरमियाने साइज़ के, और दो दरमियानी प्याज ली है, और दो दरमियाने आलू लिए हैं जिनको मैंने इस तरह से काट दिया, ठीक है। और बैंगन हम लेंगे ये 4 अदर छोटे छोटे हैं, ये बनेगा बिल्कुल समझो ये जो है 4 पर्सन के हिसाब से ये सब्जी बन रही है। बस हमने कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसके अंदर हमने क्या करना है, हम इसको बैंगन का भरता बनाने के लिए हम इसको पील ऑफ करेंगे। पील ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे आगे देखिए। अब इस तरह से बैंगन को हम रख लेंगे, इसका जो पील है हम इसको हल्का हल्का सा जला लेंगे ताकि हम उसको इसको हम हटा सकें। तो ये नॉर्मल सा एक ना तरीका है, यही करते हैं ज़्यादातर। हाँ कुछ लोग जो है इस तरह से भी होता है कि हम इसको इसको पील ऑफ करने का एक तो ये तरीका है बेसिक बहुत इजी सा, और एक है कि आप जो है इसको थोड़े से उबलते हुए पानी के अंदर 7 से 7-8 मिनट के लिए डाल दें, ठीक है। क्योंकि 5-2-3 मिनट के अंदर इसका कुछ नहीं होना, ये नहीं हटता 2-3 मिनट में ना, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता है, जलाओ तो ये थोड़ा जल जाएगा, तो ज़ाहिर बात है स्किन जो है इसकी जब जल जाएगी तो इजीली हम इसको रैप अप कर सकते हैं, रैप ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से मैं ये बाकी की जो मेरी ये बैंगन है, इसी तरह से मैं बाकी बैंगन को भी कर लूँगी, जिस तरह से अभी मैं इसको जला रही हूँ हल्का हल्का से इसकी स्किन, इन इन इस स्किन को भी हम इसी तरह से जला लेंगे। थोड़ी देर बाद मिलते हैं। इसको मैंने पील ऑफ कर दिया है और अब इस तरह से रुक गया, ठीक है। अब इसको चमचे की मदद से हम ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा थोड़े ठंडे हो गए क्योंकि मैंने इसको करती रही, तो यू नो बस इसको हल्का हल्का करके ऐसे ऐसे करके इसको हम मैश कर देंगे, ठीक है, इस तरह से करके, ठीक है। तोड़ने पड़ेंगे इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से तोड़ेंगे इसको। मैंने ये ले लिया बट्टा, ठीक है, इसके उससे मैं पकड़ पकड़ के करना पड़ेगा इसको, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं, मतलब इतना करना है कि चम्मच चम्मच बन जाए। अब मैंने ले लिए एक इलायची, ठीक है, इसमें इसको पहले हम थोड़ा सा गर्म करेंगे, और इसके अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 टेबल स्पून, ठीक है, इतना तेल लेना है। कम करें ज़्यादा ना करें, मेरी ये सजेशन है कि तेल वैसे भी डॉक्टर भी ये सजेस्ट करेंगे आपको तेल कम से कम लें, कम से कम, ठीक है। अब ये हल्का सा गर्म हो जाए तेल,
इसकी देखती हूँ, थोड़ा सही कर दूँगा, थोड़ा सा सेंटर पॉइंट कर दूँ उसको, ठीक है। बस एक दो चार पाँच सेकंड रुक के मैंने इसमें अब डालना है प्याज, ठीक है। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए, यस हल्दी जी भाप आने लग गई है। ये प्याज जो मैंने स्लाइस करी थी दो मीडियम मैंने इसके अंदर प्याज डाल दी है। हल्की सी पकने के बाद, बिल्कुल हल्की पकने के बाद मैं एक चम्मच इसके अंदर जीरा डालने लगी। अदरक, वो अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे हम जीरा डालने के बाद, फिर इसको सही से घुमा देंगे, मिक्स कर देंगे। बस अब दो चार मिनट इसको और ऐसे पकाएंगे। इससे ज़्यादा प्याज नहीं पकाएंगे, देखना मैंने आज इतनी रखी हुई है, ठीक है। इस अब इस टाइम पे मैं डालूंगी टमाटर अपने, दो धनिया नहीं कटे हुए, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, कुटी लाल मिर्च, भुना हुआ जीरा पाउडर। और अब मैं इसको मिला देंगे सब। मसाला डालने के बाद अगर आपको लगे कि ये जल सकता है तो मैं आपको कहूँगी कि थोड़ा सा पानी डालना है। इस पॉइंट पे मुझे लग रहा था कि मेरा मसाला जल सकता है, तो मैं आप क्या करूँगी, मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं, जितना आपको लगे कि इतने में ये मसाला भी भुन जाएगा और मसाला जलेगा भी, ठीक है। सही है। अब इस पॉइंट पर मैंने इसको ढक देना है। नॉर्मल मैंने इसकी वो रखनी है जितने, बस इतनी, ठीक है, इतने में हम इसको पकाएंगे और बस। और जितने में मैं अपनी ये जो मैंने मैश किया है और जो मैंने मसाले रखने हैं वो मैं रख दूँ, फिर आती हूँ, ठीक है। मसाला देखने मैंने जो ढक के रखा था इसके अंदर मैंने चार पांच जो है काली मिर्च डाल दी है, ठीक है, मोटी काली मिर्चें जो होती हैं, गोल गोल नज़र भी आ रही होगी आपको इसमें, ठीक है। इस पॉइंट पे मैंने अब इसमें जो मैंने आलू काट के रखे हुए हैं इसको मैंने इसके अंदर डाल देना है। बस अब ज़्यादा कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, बस ये आलू डालेंगे, आलू को थोड़ी देर पकाएंगे, ढक देते हैं अब हम इसको, एक काम करते हैं ताकि आलू पक जाए अच्छे से, क्योंकि हमारे जो ये बैंगन का भरता बना दिया है मैंने उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आलू थोड़े कच्चे रह जाएँ, इसलिए मैं चार पाँच मिनट के लिए इसको ढक देते हैं और हल्की आँच पर पका लेते हैं ताकि थोड़ा सा मसाला और अच्छे से पक जाए। ये देखें आलू भी तकरीबन हो चुके हैं, हल्के हल्के रह गए हैं लेकिन वो पक जाएंगे जब हम बैंगन डाल देते हैं आप इस टाइम पे, और बैंगन के साथ साथ वो थोड़ी सी कसर आलू में रह गई है वो भी हो जाएगी। ये रहे बैंगन हमारा, बैंगन का भरता हमने बनाया था, ठीक है। बस वन हैंडेडली देखें मैं ये सब कुछ मैनेज कर रही हूँ, प्लीज सपोर्ट करिएगा। अच्छे से हर जगह ये मिक्स हो जाए ऐसे, इसको अच्छे से इसको कवर कर देंगे और हल्की आंच में फिर इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे। बस मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और अब मैं हरी हरी मिर्चें, तीन से चार मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दी हैं, और अब मैं डालने लगी थोड़ा सा धनिया। बस हमारी रेसिपी रेडी है, बैंगन का भरता बिल्कुल रेडी है, मज़े से खाएं इसको नान के साथ, घर के बनी रोटी के साथ ये बहुत मज़े की लगती है, और हो सके तो अच्छा लगेगा इसके साथ रायता भी, मज़ेदार रायता इसके साथ बहुत मज़े का लगेगा। गर्मियाँ आएँ तो इन्जॉय करें और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।